बाबा जी का बिल्कुल आमने सामने से देखेगा। जय श्री श्याम। टिंकू इसका और टिंकू इसका नाम है तेरा मनोज है। मनोज बोलता है भाई राजस्थान में पानी नहीं आता है। हाँ। देखो कितना पानी आ रहा है भाई, यहाँ पे पानी की वेस्टिंग है, धरती फाड़ के पानी निकल रहा है भाई। अब इतना महंगा हक थे कि 50 रुपए लगे। अब बड़े बेहूदा और बदतमीज किस्म के इंसान है। ये कलयुग है। कौन सा कलयुग? हम दोनों के नसीब में है नहीं का फोन आना। आए तो दियो ओ भाई तो सुन बोल ही जाए। ये जुबेर जाएगा नहीं तू हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल आप सभी का, समस्त हो गए? तो भाई मैं आज पहुंचा हूं खाटू श्याम और अभी अभी जस्ट अभी हम सब पहुंचे ही है और गाड़ी हमने लगाई है भाई अपनी पार्किंग में। 100 रुपए की पर्ची कटी है यहां पर पार्किंग के लिए और भाई स्टैंड देख लो कुछ ऐसा है, बुलेट में ही स्टैंड है भाई, कहीं भी गाड़ी खड़ा कर दो कोई वो मना ही है, बस 100 रुपए की पर्ची कटानी है वहां पर आगे कटती है। ये सब भाई उतर गए, बैग वैग अपना निकाल रहे हैं। अभी अपना प्लान बन रहा है भाई जाने का, देखते हैं कहीं या तो कोई रूम लेते हैं या फिर कहीं बाहर ही कुछ फ्रेश वेश होना या नहाना धोना भी है, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे तब जाएंगे आगे दर्शन करने। यहाँ से दीपक कितने किलोमीटर है? यहाँ से भैया अपना हम पैदल चले गए, पहले आगे कोनर द्वारा वहाँ पे मतलब झंडे वगैरह ले गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम अंदर ज्यादा 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, हमको अंदर 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से भी 1 किलोमीटर पैदल जाना है भाई। ये भाई पूरा रास्ता जानता था। ये कौन दीपक यार? ये आया हुआ है कई बार। जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम। तो गाइस हम आ गए भाई खाटू श्याम और वो दिख रहा है सामने द्वार एंट्रेंस का। तो भाई जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देखो भाई जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अरे भाई जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय भाई जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम भाई, पहुंच गए भाई हम खाटू बाबा। तो भाई फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर, दीपक भाई हमारे बहुत बार आ चुके हैं तो वही बताएंगे भाई कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ दर्शन करने, क्या क्या है। रात को आपको एक बात बताएं, कसम से ड्राइविंग दीपक, ओ माय गॉड, कसम से सबकी सूख गई थी भाई, बहुत गजब की ड्राइविंग की, बहुत गजब की, बुरा हाल कर दिया था भाई, बुरा हाल, नींदे उड़ गई, चैन खो गए, सब सो के उठ के बैठ गए। कौन बोलता है भाई राजस्थान में पानी नहीं आता है? हाँ। देखो कितना पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी की वेस्टिंग है, धरती फाड़ के पानी निकल रहा है भाई। ये कलयुग है। कौन सा कलयुग? यहाँ पानी धरती से निकलता है भाई। म्युनिसिपैलिटी वालों को देखना चाहिए यार, पाइप लीकेज है, पानी गिरी जा रहा है। और इनको देखो जा रहे हैं भाई फ्रेश होने की तलाश में, फ्री में करने के लिए यहाँ 50 रुपया फीस ले रहे भाई, नहाना थोड़ा बाकी गड़बड़ भड़म करने के लिए भी है, 50 रुपए फीस है भाई, ज्यादा ले रहे हैं। तो भाई हम कहीं और जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं फ्री में मिल जाए। हम इतना महंगा हक थे कि 50 रुपए लगे, पता नहीं यार भाई। अब घर वाले नहीं 50 रुपए लिया करूंगा। सही बात है यार। तो मैं सोचा ही नहीं कभी आज 50 रुपए हगने का दूंगा। शौचालय स्नान ग्रह भाई आ गया, शौचालय स्नान ग्रह। तो भाई यहाँ भाई फ्रेश हो गए, नहा धो लिए। ये भाई नहाने धोने के लिए बना हुआ था अंदर, पर हमने भाई देसी जुगाड़ से भाई पाइप चल रही थी यही नहा लिया। अब चलो तू भी चल जल्दी बैठो नहा, हमारा कच्चा नहीं है। इनका कच्चा गाड़ी मेरे फ्लिपकार्ट से मंगाया भाई, नहा लिया ना पा। चलो भाई हम दोनों नहा लिए भाई, भाई कपड़े कैसे करेंगे, चेंज करें यही चेंज करना, क्या करना है कच्चा तो होगा लेके। चलो भाई ये भी तैयार है, ये भी लड़का तैयार है नहाने के लिए। नहीं तो बोर्ड दिखा देना थोड़ी सी। हां हां देखते बोर्ड भाई का। ठीक है तेरे जा जा नहा भाई। तो गाइस नहा धो के सब हो गए भाई फ्रेश, कपड़े वपड़े सबने कर लिए चेंज, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, सामान सुन डाल लेंगे हम लोग गाड़ी के अंदर, उसके बाद जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। देख रहा भाई चमक गया भाई, निखार आ गई चेहरे पे नहा धो के, ऐसी है। चलो भाई चलते यार, बैग वो रखे डटरा। और भाई कहाँ का फोन आया? अच्छा बहुत अच्छा, डोंट डिस्टर्ब, चल किस्मत वाले हो भाई तुम। हम दोनों के नसीब में है नहीं किसी का फोन आना, इन्हीं को आते हैं भाई, इनको लगे रहने, हम तो कल से लगा पड़ा, कोई ना बना देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहा भाई, तेरा भाई रखता है कर सकते हैं, वीडियो बनाएंगे। ओ क्या हो गया कोई ना पी ले कुछ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई सब जाते हैं गाड़ी की तरफ भाई, यहाँ ठंडा पीने लग गए हैं। क्या है? जीरा सोडा। जीरा सोडा भाई ला दो, इधर ले आ दे। थैंक यू भाई, हम भी पीते भाई। अबे गोलगप्पे वाला पानी लग रहा भाई,
तो देखो भाई आपको इसका स्वाद कैसा लगा? बहुत अच्छा। जंजीरा ठोक के है, पानी रोक के है, फॉर 20 रुपए। कभी तो आप आओगे तो पीना जरूर, लेकिन नमक कम, नमक पा लेंगे मेरे को भाई। इसको आ गया घर से फोन, एक भाई फोन पे लगा हुआ है बिजी, और हम चलते हैं भाई गाड़ी पे। अभी भी जीरा सोडा भी है, अति सुंदर था, अति सुंदर की लाजवाब, सॉरी अति टेस्टी। अब है पत्नी कहाँ गायब हो गया? वो पहले पहुँच गया क्या? वो लुक तो गया, वो सामान लेने बाबा जी के प्रसाद लेने के लिए वहीं पे यहाँ पहले आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई अपनी पार्किंग गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है भाई। हाँ भाई, 100 रुपया पार्किंग लिया सारे दिन के लिए, जब भी मर्जी आओ गाड़ी ले जाओ। दोबारा आओगे फिर सो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दोबारा आओगे तो फिर सो देना पड़ेगा। एक बार यहीं खड़ी है तो खड़ी रहने दो, लेके तो दोबारा सो देना पड़ेगा। जय श्री श्याम। तो गाइस चल दिए हम दर्शन के लिए भाई, वो दिख रहा सामने द्वार, क्या नाम है भाई दीपक द्वार? कोरन द्वार। कोरन द्वार, कोरन द्वार, कोरन द्वार है भाई। तो सबसे पहले मत्था हम लोग वहाँ टेकेंगे, उसके बाद भाई अब अंदर की ओर जाएंगे भाई। यार अभी ना एंट्री किए थे और जस्ट ये गेट के सामने भाई हम लोग रुके हैं झंडे खरीदने के लिए। झंडा नारियल का सही दे भाई, 100 रुपये का दे रहे हैं तो वही ना ये सब बोल रहा हूँ। तो भाई हमने अभी भी लगवाया भाई टीका, लगवा दिया देख सकते हो भाई पीछे भाई गेट है मेरे, फोटो शूट करवा रहे भाई। टीका लगाने वाले भी गजब कर रहे हैं भाई, रोक के टीका लगा रहे हैं भाई जबरदस्ती है, उसके बाद पैसे मांग रहे पैसे दो। तो भाई अभी ना यहाँ पर आके सबने झंडा लिया भाई मंदिर की ओर दर्शन करने हम सब। यार पहले मेरे को लगा उधर ही जाना, लेकिन दीपक ये आया हुआ था भाई, मेरे को भुलेखा पड़ा था उधर जाना। ठीक है भाई, इधर जाओ मंदिर की साइड है भाई, इधर जाओ इधर जाओ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करो भाई। पहली बार आ रहा हूँ खाटू जी के दरबार में भाई, मुराद है पूरी हो जाए बस। जय श्री श्याम। भाई काम चल रहा है, कृष्ण जी का हाथ बनाया जा रहा है और उसमें कहते हैं मुरली लगाई जा रही है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी कितना है? अभी काफी दूर है, अभी अपना यहाँ से रह गया 250 मीटर। 250 मीटर और है, 250 मीटर अंदर है। चलो उसके बाद वहाँ पर लाइन लगाना है, वहाँ पे लाइन लगाएगी और जहाँ मैं कहूँगा आपको वहाँ पे लाइन लगाना, बाबा जी को हम बिल्कुल आमने सामने से देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बस साथ में रहना, कोई भी वहाँ से ना इधर उधर मत हो जाना। ठीक है, इकट्ठे रहना भाई सब। ठीक है, ये अलग ही गायब है भाई। अभय सिंह यादव भैया, मेरी चीज समझ में नहीं आई, क्या चीज आपने इसको बुलाया? अभय सिंह यादव। हाँ, सिंह बीच में कैसे आ गया भैया ये बताइए थोड़ा। पंजाब का बॉर्डर बीच पे ना मेरे। अच्छा, अपना प्रसाद ले लो भाई, प्रसाद लेना, प्रसाद लेना ले लो भाई फिर चार। तो भाई अब आए हम सब प्रसाद लेने भाई, इधर मिष्ठान दुकान पे रुके हैं भाई, ये हम मार्केट गए इधर से जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने सब, उधर मोड़ पे ही भाई ये दुकान है और हम यहाँ भाई प्रसाद लेने गए। चलो भाई हम सब ने खाली भाई अपना अपना प्रसाद ले लिया है, जितने भी ले लिया भाई। तो भाई प्रसाद सा ले लिया यहाँ पर भाई, आओ थोड़ा लो प्रसाद, है जितना भी लो पर प्रसाद लेना चाहिए यार, लेना चाहिए यार, खासकर यहाँ पे बाबा साहब के लिए पेड़ जरूरी होते हैं और इतना ये कहीं मत भूलना लेना। तो भाई हमने भी पेड़े और इत्र ही लिए हैं, दीपक के कहे अनुसार हमने वैसे ही प्रसाद खरीदा। क्या चीज है भाई? इधर शाम कुंड है इस साइड, और जाना किधर? मेन दर्शन किधर का होना? मेन दर्शन हम पहले शाम कुंड से निकल के होते फिर जाएंगे खाटू श्याम कुंड। चलो फिर रखा हुआ है ये, हाँ ये बंदा हमने गाइड करने के लिए रखा भाई, ये आ गया ना एक दो तीन बार, इस चक्कर में सारा रास्ता पता है। मेन जाएंगे हम श्याम कुंड में भाई दर्शन करेंगे। अमन, हाँ भाई, रिंकू कहाँ गया? है सिंकू यही है। हाँ सिंकू भैया, अमन कुमार, हाँ बोलो, चलो चलो अगवा अगवा चलो चलो शाबाश शाबाश। रिंकू कहाँ है? अमन कुमार, अरे मैं हूँ यार पीछे ही हूँ तुम्हारे। रिंकू कहाँ है? रिंकू, रिंकू भी है, रिंकू ये है पीछे। मनोज, सिंकू तुम्हारे पीछे है। अरे गिरधारी लड़का पकड़ो यार, कहाँ भागा जाता है? एक दूसरे का नाम है ये गजी लो। चलो हेलो भाई, ये है एंट्री हमारी भाई प्राचीन सीता माता मंदिर। अमन कुमार, वो भाई वो बंदे गिनने में पकड़ाए हुआ, बस कोई इधर से इधर उधर हो जाता ना बस वो सबको आवाज ही मारने लग जाता है। अमन कुमार, अरे हूँ मैं यही यार, अमन कुमार लगा है दिख रहा है मुझे भी। ये दीपक, ये हम कहाँ है? हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर।
खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर। अच्छा अब वो कहते हैं श्याम कुंड, आप कह रहे हैं श्याम कुंड यहीं मिलेगा, हनुमान मंदिर है यहाँ जी, प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी है। जय हाँ भाई अगवे हैं, मनोज है, अरे सिंकू भैया सिंकू वो किथे गया अपना भाई भाई तेरा खौफ खत्म हो गया दीपक, इधर देख अभी नहीं बोला, खौफ खत्म हो गया, लगाओ ना जगह खाटू श्याम वाले दा। बोल साचे दरबार की जय। खाटू श्याम यहाँ से मेन घाट है, यहाँ पे हमने अपने ये निशान जमा कराने हैं। हाँ। उसके बाद हमने अंदर जाना है, तो वही आगे झंडे वाले स्थान जहाँ भी झंडे हम अपना जमा कराएंगे, तो निशान स्थान यहाँ से हमारी अब लाइन शुरू होने वाली है। अच्छा ठीक है, कृपया अपने झंडे भरे और अंदर बाबा का धाम है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी आपकी। अच्छा यहाँ से भाई लाइन स्टार्ट होनी है, तो भाई यहाँ हमने ना अपने झंडे जमा कराने हैं, ये है ना निशान ध्वजा स्थल, तो यहाँ अपने झंडे हम यहाँ जमा करा देंगे और यहाँ से भाई लाइन स्टार्ट हो रही। भाई साहब लाइन देखो बड़ी गजब की लगी है यार, बहुत गजब की भीड़ है भाई, भीड़ बड़ी तगड़ी है। ये भैया हमारे झंडे ले रहे हैं, इनको जमा करा देते हैं। जय श्री श्याम। चलो भैया हमने अपना जमा करा दिया जी, अब चलेंगे हम अंदर अपना। गजब की भीड़ है भाई, अगर यही हम नहाते धोते ना तो अभी तक दर्शन हो गए होते हमारे। टाइम पर वो भी सही था, टाइम तो हो जाओगे तो भी होंगे भाई, कहने जब हो जाओगे छे देखो मेरा बड़ी भीड़ है भाई, पीछे देख सकते हो इधर भी भाई। दीपक कहाँ है? स्टार्टिंग में लगे भाई। अरे सिंकू भैया सब लगे हो, ठीक है सिंकू इसका और निंकू इसका नाम है, तेरा मनोज है। मनोज चलो भाई भैया कहता हूँ मैंने कर दिया, चलिए ना के जय जय। हमारी लाइन भाई जल्दी जल्दी जा रही है और अभय और रिंकू भाई हमसे अलग हो गए, वो पता नहीं अलग लाइन में लग गए, हम तीन साथ में ही है। तो ये है मैं हूँ जूनियर, बाकी उतना गायब है। जय। तो भाई अभय भी आ गया हमारे पास पीछे से घूमता घूमता, बहुत दूर से घूम के आवा है, बहुत दूर से घूमता है। हम लोग लाइन में ना रुक के खड़े थे, इसका वेट कर रहे थे, बंदे आ रहे हैं आगे पीछे चले ही आ रहे हैं, इसके चक्कर में ना वो पीछे हो गए हमसे। दिल्ली में भाई अब यहाँ से कितना रह गया? यहाँ से अपना अब तुम लगा लो 300 मीटर, 50-100 मीटर लगा था, 100 मीटर अंदर है, 100 मीटर अंदर है। जय श्री, जय श्री श्याम। हम पहुँच गए हैं बाबा के द्वार, भाई मेन दरवाजे पे आ गए हम भाई। जय श्री श्याम, कितना बढ़िया सजाया गया भाई, फूलों से पूरा द्वार सजा दिया गया, कितना प्यारा लग रहा है यार। हम लोग ना दूसरी लाइन में आ गए, पुरुषों ने दूसरी लाइन में कर दिया, जा रहे हैं भाई जल्दी जल्दी, आ गए दर्शन जल्दी मिल जाएंगे लग रहा हमें। तो भाई यहाँ हमने ना अभी प्रसाद चढ़ाया है, मेरे को यहाँ लिखा हुआ प्रसाद सारा चढ़ाया। तो भाई तीन इत्र मिला था, उसमें से बना दिया दो, एक चढ़ा दिया भाई, एक इत्र हमने चढ़ा दिया भाई, यहाँ पर दो लेके जाएंगे हम, प्रसाद चढ़ा दिया है और भाई ये भी आ गया, रिंकू भी आ गया। तो बस प्रसाद से चढ़ा चुके हैं भाई, दर्शन हो गए बहुत बढ़िया, यहाँ से निकलते हैं। हाँ दीपक अब क्या हो गया भाई, भाई क्या लकी आदमी थी। चल भाई जय श्री श्याम, जय श्री। तो भाई ये था एग्जिट गेट है और इधर भी ना इमारत सारे भी तोड़ दी गई है, तो बना रहे बढ़िया से। तो भाई दीपक ना प्रसाद बना रहा था, दीपक ये प्रसाद घर से लाया था, घर से बना के लाया था भाई प्रसाद, क्या बात है बहुत स्वाद बना था तेरा, बहुत स्वादिष्ट है, एक नंबर है भाई। भाई स्पेशल प्रसाद लाया था दीपक भाई घर से बना के। अब किधर रुक जा दीपक, अब किधर भाई, अब तुम देखो आप तुम घूमो, शाम कुंड देखना हमें, शाम कुंड जाना हमें, ठीक है शाम कुंड यहाँ पे दो है, मेरे को छोटे का पता है, बाकी पता करो तो भाई यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी वहीं पर फिर आ गए वापस। श्याम कुंड जाना है तो वहाँ का रास्ता पूछ रहे हैं, तो रास्ता दीपक को भी इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि यहाँ पर भाई दो कुंड है, छोटा एक बड़ा, इसलिए वो भाई कंफ्यूज है थोड़ा सा कि कौन से कुंड में मैं गया था। हाँ दीपक कौन से कुंड में तू गया था पिछली बार? शाम कुंड में गया था मैं, छोटे बड़े छोटे में गया, बड़ा मेरे को मिल नहीं रहा यार। भाई ये वाले रास्ते से हम लोग गए थे खाटू श्याम, अब इधर से जा रहे हैं भाई श्याम कुंड। भैया मनोज हाँ, तो हम जा रहे हैं श्याम कुंड। रिंकू कहाँ है? रिंकू आ गए हैं, और रिंकू वो भी आ गए हैं, रिंकू 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 हमारे साथ में, सिंकू आ गए हैं, और उनको पटना वो भी आ गए, और ये साथ में घूम रहे दोनों। ओ दीपक जी किधर? इधर शाम कुंड इस साइड को है, ये कौन सा वाला है?
ये शाम कुंडा है, देखते कौन सा छोटा, मैं देखना पड़ेगा कद्दू है ना यहाँ पे। तुम किस में आए थे? मैं छोटे में आया था। तो पता नहीं ये भूल कैसे गए तुम भाई? यार हम पहले भी आए थे, उस टाइम भी हमने देखा नहीं। अच्छा इस बार देखते हैं कि एक ही है या दो आई है, मेरे कंफर्म नहीं है। ठीक ठीक ठीक, चलो भाई कंफ्यूज है तो भाई क्या कह सकते हैं इसमें भाई, कोई ना पहुँचते हैं शाम कुंडा देखते हैं। और इधर से भी जाते हैं? अच्छा पहले शाम कुंड फिर वहाँ दर्शन है ना। हाँ दीपक शाम कुंड लिखा है आगे सामने शाम कुंड पढ़ लिया कर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इसी वाले में आए थे, किस में आए थे तुम भाई? यार भाई चेंज होता रहता है यार, चेंज होता रहता है, लेकिन तुम्हारे पर साथ यही है, यही वाला है। ये शाम कुंड आए भाई, श्याम कुंड आ गए। जय श्री श्याम भाई। तो ये आ गए भाई हम श्याम कुंड। तो भाई ये है शाम कुंड, यहाँ पे तीर मार के पानी आया था। क्या आया था? तीर मारा था, पानी आया था। तीर मारा था, पानी भाई। तो जा रहे हैं लोग नीचे भाई नहाने धोने। देखो भाई लोग नहा कैसे रहे भाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभय सिंह भाई है, रिंकू भाई, रिंकू भाई ये भाई ये खड़ा है, और ये हमारे अमन जी कहाँ पे गए हैं? ये पानी क्या मेरा टीका होगा मिट गया यार। हाँ दीपक, हाँ तो अभी हमने शाम कुंड में मतलब मत्था टेका है, हाँ तो यहाँ पर क्या मानता क्या इसकी? हाँ मानता, देखो जितना मैंने सुना है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये सुना है, यहाँ पे ना खाटू श्याम बाबा का शीश अच्छा निकला था यहाँ से कुदरती, ठीक है। तो तब से इसको शाम कुंड बनाया गया है, तो इसलिए जब तक आप यहाँ पे स्नान करके आप मुआ दो कुछ भी करके यहाँ से बाबा शाम के मंदिर में नहीं जाओगे तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। चलो भाई हमने तो भाई मत्था तो टेक लिया, मुंह हाथ भी धो लिया ना। हाँ, बढ़िया है, अच्छा बहुत मन को सुकून मिल रहा है। चलते हैं भाई, जय श्री श्याम, 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 जय बोल हरे के सहारे की जय। तो भाई चलते चलते भूख लगी और हम आगे शिव पार्वती शिव पवित्र भोजनालय रेस्टोरेंट। तो गाइस अभी बैठे भाई कचौड़ी खाने के लिए, 5 कचौड़ी का ऑर्डर दिया, एक टोकन मिला यहाँ पर हमें। कितने रुपये प्लेट थी भाई? 20 रुपये प्लेट है। उसमें एक कचौड़ी मिलेगी आपको, कड़ी मिलेगी और एक चम्मच भी मिलेगी। ओके। और लकड़ी वाली चम्मच मिलेगी, और खाना खा के आपने अपना जो डोंगा है वो डस्टबिन में डालना है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत कर रही है। भूख लगा है? बहुत तेज भूख लगा भैया, भूख लगा तुम्हारा बहुत पहले से। हम इतना डोड़ा कहूँ सब लोग खाना खाए नहीं मिला, पता नहीं कौन लोकेशन लगाए रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कोई लोकेशन में चले खाना खाने को आ रहा है, कचौड़ी खाएंगे फिर आगे जाकर कुछ और खाएंगे। तो भाई अपनी खस्ता कचौड़ी आ गई है। खस्ता कचौड़ी है भाई? हाँ जी। वो कह रहा है कढ़ी को आके ला रहा है। नहीं नहीं खस्ता कचौड़ी है। दाना भी गया भैया, आप देखिए प्यास भूख गई, मिटेगी। खाए तो दियो, खाए तो दियो। तो गाइस यार कचौड़ी खा के निकलनी है भाई, बहुत स्वाद था, बहुत मस्त थी, सही था ना भाई? बहुत अच्छा था। तर गया है कचौड़ी, कैसी लगी तुम्हें? कैसा था मेरा? बहुत अच्छा लगा, बता के अच्छा है, मजा आया, मजा आया। कैसे तर गए? एकदम निमोन, एकदम निमोन। तो भाई मैं और अभी बैठे मेन गेट पे जहाँ से एंट्री हमने स्टार्ट की थी, और दीपक और वो अपने वाइफ के लिए दीपक और क्या कूड़ा ले रहे हैं, दीपक और सिंकू दोनों जने ना भाई गए अपने महरारू के लिए सामान वामान खरीदे, जो चूड़ा चुपड़ी होता है वो सब दे रहे हैं। और जुबेर बेहद लोग इतना यहाँ घूम रहा है, कुछ पता नहीं कहाँ गायब है, वेला ही है ना घूम रहा गायब है। और भाई हम लोग किसके लिए खरीदे यार, घर वाले को प्रसाद ले लिए हैं, है ना भैया? हाँ भैया, घर में प्रसाद दे दिया जाए, कहा सब घर वाले ठीक रहे, ठीक रहा है। और बताओ? बस ठीक है। तो भाई चलते हैं सब अपने गाड़ी के पास यार, बहुत थक चुके हैं भाई, थक गए हैं, पतली हो गई सब, थक गए भाई। बस ना मन ये कर रहा है कि थोड़ी देर बैठ के ना पीठ सीधी कर ली जाए यार, बहुत दुख रहा है इनको देखो। हाँ क्या हो रहा है भाई साहब? पैरवा दर्द हो रहा। कहाँ भैया? हम ठीक है भैया, ठीक हो तुम भाई? हेलो हेलो सिंकू, सिंकू बोलो, ए सिंकू, अरे सिंकू 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 कुछ फाके भैया वो। हम आ गए अपनी गाड़ी के पास, फाइनली बोल। तो फाइनली यार हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, और भाई सामान सामान रखते हैं गाड़ी में यार, अपने जूते पहनते हैं और फिर जाते हैं हम मार्केट घूमने यार, कुछ खाएंगे पियेंगे, अब तो कुछ खाए नहीं, वही कचौड़ी खाया था यार, फिर और देखते हैं मार्केट में कुछ, सबसे पहले तो भाई जूते पहनने हैं। तो भाई मार्केट घूमते घूमते हम आ गए हैं मड्ढा चौक, मड्ढा। और ना मैं इधर खड़ा हूँ बीच चौराहे पे, दीपक और मेरे साथ जुबेर है, और अभय और रिंकू गए भाई आगे, उनको ना थोड़ा काम था, पैसे ट्रांसफर कराने थे,
तो यहाँ पर ना मोबाइल कम्युनिकेशन को दुकान ढूंढ रहे थे जहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, तो पंजाब में करते बंदे के पास, हम इधर कैश थे, तो इस चक्कर में उसके भी लगे दुकान ढूंढो, लोग पैसे ट्रांसफर कराने, हम लोग ये लोग ना खड़े होकर ना पुलिस वालों से बकैतियाँ कर रहे थे, घूमने फिरने की जगह पूछ रहे थे, भैया यहाँ का जगह बता दो, क्या बोला फिर वो माली राम में पैसा है, हाँ नहीं नहीं वो माली राम, माली राम था भाई, ये यहाँ आए भाई, यहाँ पैसा ट्रांसफर कराने आए हैं, चलो देखते हैं। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, तेरा खौफ खत्म हो गया है। तो मैं एक मीम भेजूंगा, हाँ उसमें पता क्या है, हाँ आपको लगता है किसी ने बताया नहीं है, हाँ आप बड़े बेहूदा और बदतमीज किस्म के इंसान है। नहीं इसको तो बताया भाई, बाकायदा इसको चिट्ठी लिख के भेजा गया है ना भाई, देखा नहीं तुमने, वारंट गया है। इतनी देर से भाई घुमाई जा रहे हैं, इनको किसी ने कोई रसोई बता दी, उसी रसोई के चक्कर में ना ये लोग इतनी दूर तक आ गए, और खाना अभी भी नहीं मिला, इतने सारे होटल इतने रेस्टोरेंट भाई कहीं बैठे खा लो, लेकिन नहीं पता नहीं केड़ा नाम बता दिया बंदे ने, बस वही ढूंढ रहे। बात ना पैसों की है बड़े भाई, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ भाई, वहाँ भी तो 100 रुपए में भर पेट मिला था, खाली पूरा वहाँ से तो वापस आ गए वो, देखो वहाँ वो वापस आ गए, पता वहाँ 100 रुपए देना था, इतना दूर चला दे, बहुत थक गया भाई, बुरा हाल हो गया, फिर अब उतनी दूर जाना है। चलो 3 बजे निकल रहे कल रात को हम, हाँ इसको कोई मतलब नहीं, बस शाम वर्दी अब 3 बजे रात को निकलना, बस क्या बताओ, चलो ढूंढो भैया इन दोनों के वजह से। तो भाई यहाँ ना हम लोग आए थे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो वीडियो बना के अब सब गाड़ी में बैठ चुके हैं भाई, अब यहाँ से भाई निकल रहे हैं भाई, हम यहाँ से फिर एनर्जी आ चुकी है, दोबारा कॉर्नर दोबारा देखते हैं। हाँ खाटू श्याम बाबा की जय।